All right, so there you are finally. Happy birthday! Thank you! Welcome, welcome. हे गाइस व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 17 दिसंबर, मतलब एक्चुअली 17 दिसंबर की अभी रात हो रही है एंड कल है 18 दिसंबर। अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे व्लॉग्स एटलीस्ट 1 या 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा 18 दिसंबर इज माई बेस्ट फ्रेंड यानी कि साइली का बर्थडे एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज हर बर्थडे हम लोग कुछ ना कुछ सरप्राइज करते हैं। लास्ट बर्थडे पर मैं पर्सनली नहीं मिल पाया था बिकॉज मैं एक शूट पर था, बट मैंने सोचा इस साल तो कुछ स्पेशल करता हूँ, स्पेशली सिंस शी ऑल्सो स्टेज इन न्यू जर्सी। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि रोहन साइली को यहाँ पे मेरे घर पे लेके आने वाला है एंड मैं थोड़ा अभी यहाँ पे डेकोरेट करने वाला हूँ अच्छे से। केक वेक भी मैंने ला के रखा है, अब गाड़ी में रखा है सारा डेकोरेशन, सारा केक, एवरीथिंग इज इन द कार। फटाफट अभी गाड़ी पे रन करते हैं, लेट्स ब्रिंग एवरीथिंग एंड देन आई विल डेकोरेट दिस लिटिल स्पेस। ज़्यादा नहीं, जितना मुझसे हो पाएगा उतना करूँगा। उतना डेकोरेशन के मामले में मैं शायद उतना क्रिएटिव नहीं हूँ, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। द टाइम इज 11:32, सो मेरे पास सिर्फ I only have half an hour to do all the decorations all by myself. Okay, so ये है इस जैकेट के नीचे यहाँ पे केक जो मैंने ऑलरेडी लेके रखा था। ये बलून है और ये सारा डेकोरेशन है यहाँ पर। सो ये मैंने बलून को ना एक्चुअली ये कैमरा स्टिक के पे अपना ट्राइपॉड पे लटका लिया है बिकॉज ये कभी भी उड़ सकता है, हीलियम बलून है तो वो उड़ ना जाए करके। नाउ लेट्स गो अप रियली क्विक एंड सेट अप एवरीथिंग। ओके, सबसे पहले जो काम करना है ये दोनों मैट्रेसेस जो है वो मुझे अंदर रखने पड़ेंगे सो दैट यहाँ पे मैं थोड़ी अच्छी सी जगह बना पाऊँ। सो लेट्स गेट गोइंग। और दिस इज द डेकोरेटिव पीस दैट आई हैव गॉट। ये दिख रहा है, ये सबसे पहले लगाऊंगा मैं, तो अभी इसको खोलता हूँ। ये मैंने कहाँ से लिया, इसमें मैं एक अलग ब्लॉग बनाने वाला हूँ। दैट्स अ प्लेस कॉल्ड पार्टी सिटी, यहाँ पे वहाँ पे सारी पार्टी या फिर डेकोरेशंस सारी कुछ चीज़ें मिलती है तो वहाँ पे मुझे अच्छे से नहीं कि ये पूरा पैक मिला। सो सबसे पहले मैं निकलता हूँ, लगाता हूँ। तो इसमें ये ऐसा कपड़ा भी है जिसमें हैप्पी बर्थडे तो ये जाएगा दीवार पे एंड देन उसमें नंबर भी है, ये स्टिकर वाले, तो ये स्टिकर वाले नंबर मैं डाल सकता हूँ। एंड फाइनली आई फाउंड दिस, तो ये मुझे सबसे पहले दीवार पे लगाना है चढ़ के, उसके बाद मैं बाकी सारी चीज़ें लगा सकता हूँ। Alright, so I know it's not like too much, but this is how it's looking right now. I think it's decent. ये सब क्यूट सा लग रहा है यहाँ पे। ये हैप्पी बर्थडे, ये दो चीज़ लगाए हैं यहाँ पे भी हैप्पी बर्थडे। अभी बस यहाँ पे टेबल रखना है बीच में, केक रखना है और वो बलून टेबल के साइड में रखना है, लेंगे गुड टू गो। Alright, so let's see the cake. The cake कुछ ऐसा लग रहा है, साइड से देखोगे तब ज़्यादा प्रिटी लगेगा। दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। आई थिंक इट लुक्स नाइस एंड क्यूट। मैंने वो बलून्स नहीं लाए 25 वाले बिकॉज आई थॉट कि वो बहुत क्लीशे हो गया, हर किसी के बर्थडे में आजकल दिखता है, तो इसलिए आई गॉट दिस इंस्टेड एंड ये ऐसा वाला बलून लाया ताकि इट लुक्स नाइस। आई एब्सोल्युटली लव हाउ द केक लुक्स लाइक, ऐसा दिखता है। मैं आपको अच्छे से बी रोल में दिखाऊंगा थोड़ी टाइम बाद वंस साइली कम्स, बट इट्स ऑलरेडी 12 o'clock, सो आई थिंक 2 मिनट में रोहन साइली को ऊपर लेके आता ही होगा। टिल देन आई हैव टू क्लीन ऑल दिस मेस, तो मैं फटाफट वो खत्म करता हूँ एंड देन आई वेलकम साइली होम। ऑलराइट, सो दे आर हियर फाइनली। Happy birthday! Thank you! Welcome, welcome. Oh, oh wow, okay, what was that? Hai na? What was that? It's a holiday snowflake cake. Wow!
happy birthday. Thank you. It's a very special day. Super dude. बहुत मस्त है केक. Happy birthday. Thank you. रोहन मुझे भी अरे ग्रुप 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 हैप्पी साइलेंट बर्थडे. पहले मैं कैंडल लगाता हूँ इस पे. ओके लाइटर है. हाँ उल्टा उल्टा नहीं व्हाइट डाल दी. डथिंग वाला लाइटर है ये. नॉर्मल लाइटर नहीं है ये देखिए ये लाइटर है. इलेक्ट्रिक Alright, so that was it from my house. अभी हम लोग का एक प्लान है कहीं और जाने का. वो जगह एक्चुअली रोहन ही बताएगा एंड साइली को वो जगह पता नहीं है. रोहन ने मुझे बस थोड़े टाइम पहले बताई है. सो थोड़ा वहाँ पे जाके भी चिल करेंगे अपन साइली के साथ. बिकॉज इट्स हर 25th बर्थडे एंड वी आर ऑल एक्साइटेड. सो लेट्स गो. कैसा लगा केक? कैसा लगा? बहुत सुपर. इट्स वेरी टेस्टी. क्योंकि ये रेगुलर वो वैसा वाला केक नहीं. दिस वाज अ स्पेशल हॉलिडे स्नोफ्लेक थीम केक स्पेशली बिकॉज साइली इज अ विंटर बेबी. तो थोड़ा सा विंटर थीम केक लाया था मैंने स्पेशली. एंड मेरे घर के पास एक बेकरी है यहाँ पे साउथ प्लेनफील्ड में. इट इज सो गुड कि मतलब वहाँ का टेस्ट वहाँ का केक टेस्ट अमेजिंग. इतना अच्छा टेस्ट है उसका कि शब्द नहीं निकलते. एग्जैक्टली. ओके यस लेट्स गो. एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर चैरियट फॉर द डे. मेरा चैरियट उधर पीछे जरा आराम कर रहा है सो रहा है. तो वो आगे बैठना है बर्थडे का? नहीं नहीं. आई थिंक यहाँ पे मूव होने का बेस्ट पार्ट इसके रोहन है पास में. एंड रोहन को आसपास की सारी जगह पता है. तो वैसे ही कोई एक जगह है जहाँ पे अभी रोहन लोग को लेके जा रहा है. एंड रोहन के वैसे काफ़ी कुछ नया यू नो लाइक फ़र्क पड़ता है व्हेन यू मूव इन एज समवन यू नो लाइक हु हैज जस्ट मूव्ड इन टू दिस प्लेस वर्सेस ट्रैवलिंग विद अ लोकल जो कि बहुत सालों से यहाँ पे रह रहा है. यू नो लाइक ही नोज़ द प्लेस बाय हार्ट. रोहन का पूरा चाइल्डहुड यहाँ पे गया है तो ही नोज़ एवरीथिंग वेरी वेल. तो रोहन से जानने में और मज़ा आता है. एंड रोहन प्लस आई एम विद माय फैमिली. It's as simple as that. All right, so we have reached and hum log aaye hain Union Beach. जो हमारे घर से कुछ अराउंड 15-20 मिनट्स की दूरी पे है. रोहन ने सजेस्ट किया था ये जगह स्पेशली बिकॉज यू नो लाइक थोड़ा सा आके चिल करने के लिए बैठने के लिए मस्त है. आई वॉज सर्चिंग फॉर सच अ प्लेस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम जो ऐसा घर के आसपास हो ना जहाँ पे आप जाके मस्त आराम से बैठ सको. थोड़ा पीसफुल थोड़ा सुकून. और बिकॉज मैं मुंबई से हूँ मुझे ऐसा जो पानी के पास होता है ना ऐसा ऐसा जगह मुझे बहुत पसंद है. बिकॉज मुंबई में अगर आपको जाना है तो यू यूजुअली गो टू वर्ली सी फेस मरीन ड्राइव जाके बैठते हो रात को आप चिल करते हो. तो दिस गिव्स मी दैट काइंड ऑफ वाइब्स. एंड सामने आपको न्यूयॉर्क सिटी भी दिखता रहा ना आपको इसमें कितना दिखेगा बट यहाँ पे वेरिजानो और पीछे फिर अपना पूरा मैनहट्टन दिखेगा. एंड सो दिस वॉज अ क्विक क्या कहते हैं स्ट्रोल अराउंड यूनियन बीच हियर इन न्यू जर्सी. कभी दिन में आएंगे वापस थोड़ा और अच्छे से दिखाएंगे. पर रात को ना एक्स्ट्रा पीसफुल लगता है. हाँ आई एग्री. बिकॉज़ एक तो कोई नहीं आजू बाजू शांत है इसका जो आवाज एंड काफी सेफ भी लगता है. यस वेरी नाइस. सो मजा है. एंड दिस इज हाउ वी ब्रॉट इन साइलीज बर्थडे. एंड देन और मज़ेदार होने वाला है कल सुबह. तो मेक श्योर यू वॉच द नेक्स्ट व्लॉग ऑल्सो बिकॉज ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है ताकि मैं इसको अभी एडिट कर सकूँ. आप पहले देखो फिर बाद में दूसरा वाला देखो. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. डू लेट मी नो हाउ यू गाइस लाइक दिस. एंड जो मैंने छोटा मोटा डेकोरेशन किया वो आपको कैसा लगा? इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट एक्चुअली डेकोरेटिंग फॉर एनीवनस बर्थडे इन रिसेंट टाइम्स बिकॉज यूजुअली बाकी कोई ना कोई दोस्त हो जाता था वो करते थे डेकोरेट बट इस बार बिकॉज कोई और नहीं था मैंने खुद ही किया. सो डू लेट मी नो. थैंक यू.
You're welcome. And I'll see you in the next one. Till then, stay safe. Have fun. Peace out. Happy birthday. Thank you.